भारत को घेरने के लिए चीन ने अफ्रीकी देश जिबूती में मौजूद अपने मिलिट्री बेस पर घातक जंगी जहाज तैनात कर दिए। मतलब ये कि भारत की बढ़ती ताकत से चीन घबरा गया है और इसी वजह से वो हिंद महासागर में भारत की घेरेबंदी में जुट गया, क्योंकि चीन ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि अगर एशिया में उसे कोई टक्कर दे सकता है तो वो भारत है। ऊपर से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश चीन को घुटनों पर लाने के लिए भारत के साथ खड़े हैं। मतलब ये कि एशिया में चीन को सबसे बड़ा खतरा भारत से है। यही वजह है कि चीन ने भारत को घेरने के लिए हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी। अपनी इसी साजिश के तहत चीन ने अफ्रीकी देश जिबूती में मौजूद अपने नौसैनिक अड्डे को एक्टिव कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि जिबूती में चीन के नौसैनिक अड्डे पर अब हमेशा कोई ना कोई युद्धपोत तैनात रहता है। और ये दावा किया जा रहा है कि इसी साल मार्च में पहली बार चीन की नौसेना का एक युद्धपोत जिबूती पहुंचा था। हालांकि जिबूती में चीन का नौसैनिक अड्डा काफी सालों से मौजूद है, लेकिन मार्च 2022 से पहले वहां किसी युद्धपोत की। आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा, आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तैनाती नहीं की गई थी, लेकिन पश्चिमी मीडिया का कहना है कि भारत की घेराबंदी करने के लिए चीन ने अपने इस नौसैनिक अड्डे पर जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। असल में चीन के लिए जिबूती रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। ये अदन की खाड़ी के पास दुनिया के सबसे बड़े समुद्री व्यापारिक रूट के किनारे बसा देश है। स्वेज नहर से आने जाने वाले सभी व्यापारिक जहाज जिबूती के नजदीक से ही गुजरते हैं। ऐसे में चीन चाहता है कि उसकी पहुंच हिंद महासागर के हर इलाके में हो, जिससे वो दुनिया के समुद्री व्यापार को कंट्रोल कर सके। और इसी वजह से चीन जिबूती में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाकर रणनीतिक बढ़त हासिल करने की तैयारी में है। लेकिन भारत को घेरने के लिए चीन सिर्फ वहीं एक्टिव नहीं है, बल्कि श्रीलंका के जरिए भी वो भारत को घेरने की तैयारी कर चुका है, क्योंकि 16 अगस्त से चीन का जासूसी जहाज युआनवांग 5 श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर खड़ा है। हालांकि चीन का कहना है उसका ये जहाज रिसर्च के लिए वहां पहुंचा है, लेकिन असलियत यह है कि चीन का मकसद समंदर से भारत की जासूसी करना है। बताया जाता है कि युआनवांग 5 जहाज इतना ताकतवर है कि इसके जरिए करीब 750 किलोमीटर तक निगरानी की जा सकती है, जबकि हम्बनटोटा पोर्ट से तमिलनाडु के कन्याकुमारी की दूरी 451 किलोमीटर है। मतलब ये कि दक्षिण भारत के प्रमुख सैन्य और परमाणु ठिकाने चीन के जहाज युआनवांग 5 के जद में है। और दावा किया जा रहा है कि चीन के इस जहाज में ऐसे ताकतवर सेंसर लगे हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल तक को ट्रैक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आशंका तो ये भी जताई गई कि चीन के इस जहाज की नजर भारत के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर है। और इसी वजह से भारत ने सख्त लहजे में श्रीलंका से एतराज जताते हुए साफ कर दिया था कि चीन के जासूसी जहाज से भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। चीन का ये जासूसी जहाज 22 अगस्त तक हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुकेगा, जिस पर भारत लगातार कड़ी नजर बनाए हुए है। यही नहीं, खबर ये भी है कि भारत को घेरने के लिए चीन पाकिस्तान में भी अपने सैनिकों की तैनाती की तैयारी में जुटा है, और तो और उसने म्यांमार में भी एक पोर्ट को लीज पर लिया है। इसी तरह कंबोडिया में भी एक बंदरगाह को सैन्य इस्तेमाल के लिए चीन ने कर्ज के बदले हासिल कर लिया है। और दावा किया जा रहा है कि कंबोडिया के उस बंदरगाह से चीन भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर नजर रख सकता है। अमेरिकी रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट में बताया गया कि चीन जिबूती समेत 13 देशों को अपने मिलिट्री बेस के तौर पर देख रहा है, जिनमें अंगोला, केन्या, तंजानिया और यूएई शामिल हैं। लेकिन चीन के लिए जिबूती सबसे अहम बताया जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए चीन न सिर्फ हिंद महासागर तक अपनी पहुंच बना सकता है, बल्कि वो अमेरिका और फ्रांस जैसे दूसरे देशों को चुनौती दे सकता है। इसीलिए चीन ने BRI के तहत जिबूती को भारी भरकम कर्ज दे रखा है, जिसमें रेलवे लाइन, कंटेनर डिपो, सड़कें और इमारतों सहित कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। हालांकि जिबूती में अमेरिका, फ्रांस, जापान और इटली के भी सैन्य अड्डे मौजूद हैं, जबकि सऊदी अरब वहां अपना मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी में है। लेकिन चीन की मौजूदगी से पश्चिमी देशों के कान खड़े हो गए हैं।